You're a superhero. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लूट सपोर्ट पर। तो आ चुके हैं फिर से आप सभी के लिए नई लूट वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक नए ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस ट्रिक को अप्लाई करके आप यहां पे अपने अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। और उसके साथ ही दोस्तों एक और ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस ट्रिक को अप्लाई करके आप यहां पे फ्लैट 110 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी ऑफर अपडेट आता सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म किया जाता है। अगर दोस्तों इस ऑफर से रिलेटेड भी कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले दोस्तों आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप मेक श्योर करिए टेलीग्राम में जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों समय लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, सिंपली उसको आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करते ही दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर साइनअप करने के लिए बोला जाएगा, सिंपली उसके लिए आपको ऊपर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, सिंपली आपको इसको डाल के वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते ही आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप सीधा होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको योर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। मैंने यहाँ पर अपना पैन कार्ड वेरीफाई कर लिया है, लेकिन आपको यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप वेरीफाई पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने पेज आ जाएगा। सिंपली आपको लेट्स बिगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डाल देना है, उसके नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका पैन कार्ड सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाएगा, सिंपली आपको यहां पर कनेक्ट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डाल देना है, उसके नीचे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे आपको अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, और बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपना IFSC कोड डाल देना है। IFSC कोड डालने के बाद सिंपली आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ को वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद आपको सीधा होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद सबसे नीचे आपको बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपसे यहाँ पर अमाउंट पूछा जाएगा, सिंपली आपको अमाउंट अपना डाल लेना है। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 10 रुपये डाल लेता हूँ, और उसके बाद आपको प्रोसीड टू बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाय के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स दिखाई जाएगी कि आपके यहाँ पर 3% चार्ज कट के बाकी पैसा आपके बैंक पे आ जाएगा। सिंपली आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप सीधा पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। पेमेंट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अमेजोन पे का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको अमेजोन पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर परचेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। परचेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अमेजोन अकाउंट को लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, सिंपली आपको आईडी पासवर्ड डाल के अपने अमेजोन अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपने अमेजोन अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं आपका बैलेंस यहाँ पे शो कर जाएगा, उसके बाद सिंपली आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपने अपने अकाउंट पर 2-स्टेप वेरीफिकेशन को ऑन किया होगा तो सबसे पहले आपको अपने लिंक को वेरीफाई कर लेना है। मैं अपने SMS को चेक करके अपने लिंक को वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे आप लिंक पर क्लिक करके आप प्रूफ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपने लिंक को वेरीफाई कर लिया, उसके बाद मेरे यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपके यहाँ पर गोल्ड सक्सेसफुल बाय हो जाता है उसके बाद आपको सीधा होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका बैलेंस यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डाल लेना है, जितने रुपये का गोल्ड आप यहाँ से सेल करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये का गोल्ड बाई किया है तब दोस्तों आपके वॉलेट पे 97 रुपये का गोल्ड आ चुका होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 10 रुपये गोल्ड बाई किया तो मेरे वॉलेट पे 9 पॉइंट कुछ ऐसे समथिंग के आसपास का बैलेंस आ गया होगा, लेकिन मैं यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मिनिमम विड्रॉवल 10 रुपये का होता है। तो आपको बस यहाँ पर अपना गोल्ड एड कर लेना है, उसके बाद सिंपली आपको सेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर OTP वेरीफाई करके सक्सेसफुल सेल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन कम्प्लीट कर देते हैं 48 घंटे के अंदर आपका जो बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट पर चला जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों पैसा आपको उसी बैंक पे जाएगा जो कि आपने प्रोफाइल पे जाके अपडेट किया था। तो आपको दोस्तों वहाँ पर वही वाला बैंक अकाउंट ऐड करना है जहाँ पे दोस्तों आप अपना पेमेंट लेना चाहते हैं। तो इसी ट्रिक को अप्लाई करके दोस्तों आप यहाँ पे 3% में अपने गोल्ड को सेल करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कैसे दोस्तों आप यहाँ पे 110 रुपये की अर्निंग कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आप सीधा होम पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ऊपर आपको सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर अमेजोन गिफ्ट कार्ड को सर्च कर लेना है। अमेजोन गिफ्ट कार्ड को सर्च करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर आपको 3000 का गिफ्ट कार्ड देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने गिफ्ट कार्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑफर शो कर जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अमेजोन गिफ्ट कार्ड को बाई करते हैं तब दोस्तों आपको यहाँ पर 10% के हिसाब से आपको 200 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कोड को अप्लाई कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके 3000 रुपये का पेमेंट करके सक्सेसफुल कोड को बाय कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अमेजोन में जाके इस कोड को अप्लाई करके एड मनी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप उसी टी को अप्लाई करके अपने अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 3000 रुपये ट्रांसफर करते हैं तब दोस्तों आपके यहाँ पर 90 रुपये का चार्ज कट जाएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके यहाँ पर 110 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों आप पेटीएम से अमेजोन गिफ्ट कार्ड को बाय कर लेते हैं 48 आवर्स के अंदर दोस्तों आपके वॉलेट पे 200 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। तो इसी टिक को अप्लाई करके दोस्तों आप यहाँ पे फ्लैट 200 रुपये का कैशबैक भी लूट सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही सारी टिक थी जिसको अप्लाई करके आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी लूट वापस वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।